तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे एक यूट्यूब व्यूअर है बापू डू शिंदे, इन्होंने मुझे एक फाइल मेल की है, मैं इसी फाइल के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये फाइल को समझिए क्या है कि उनके पास एक डेटा है जिसमें सीरियल नंबर, नेम एंड उनकी फ़ोटो डली हुई है, राइट सर, इस तरह से। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फाइनल वाले शीट में ये जो आईडी डली है, इस आईडी के बिहाव से सारे जितने भी ये हैं फोटो है, ये फोटो यहाँ पे आ जाए। तो कैसे करें, वो चलिए हम आप बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे और मैं पता करेंगे कि जो इस आईडी के अगेंस्ट में इस कौन से रो पे हमारा डेटा है। पता चला कि दूसरे नंबर रो पे डेटा है हमारा। फिर मैं यहां एक ऑफसेट की मदद से अपना रेफरेंस लेता हूं कि भाई A1 में जाए, ठीक है, और रो नंबर 2, कॉलम नंबर 3, हाइट 1 एंड कॉलम 1, ठीक है। और इसको मैं एक बार F4 से फ्रीज कर देता हूं। और इसमें मैं इस मैच फॉर्मूला को भी इंक्लूड कर देता हूं। जहां ये फाइनल F3 है तो मैच फॉर्मूला में डाल देता हूं और यहां से कट करके मैं यहां इसको डालता हूं और इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूं और डिफाइन नेम फॉर्मूला में आता हूं और यहां पे हमारा डिफाइन नेम है और इस डिफाइन नेम पे मैं इसको पेस्ट करता हूं। सॉरी, यहां पे मैं SH के नाम से डालता हूं। मैं एक बार इस जो फोटो वाला एरिया है इसको कॉपी करता हूं और यहां पे फाइनल में आके मैं यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करता हूं, ठीक है। और यहां हम इस फोटो की जगह पे सीधू की जगह पे SH कर देते हैं। नेम मैनेजर में जाना होगा, मैनेजर तो हाँ ये बेसिकली C3 हो गया, यहाँ पे मुझे T3 करना था। और ये देखिए फोटो में कॉलम ए मर्ज हमने फ्रीज हमने नहीं किया था, इसके कारण ऐसा हुआ, हमें इसका फ्रीज करना चाहिए था। ठीक है, इसका डी फ्रीज होगा हमारा और बाकी इसको भी फ्रीज करना है हमें। ऑफसेट का A1 फ्रीज है, ठीक है, और मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको टिक का निशान लगाता हूँ एंड क्लोज करता हूँ। अब मैं इस पर SH करता हूँ, रेफरेंस नॉट वैलिड, क्यों नहीं हो रहा है, एकदम देखिए यहाँ पर आ गया है।
आया हमारा ऑफसेट, इसमें हमने फोटो का A1 लिया हुआ है, रो के लिए हमने मैच का रिजल्ट लिया हुआ है, और यहाँ कॉलम नंबर हमने 2 करना है, हमें कॉलम नंबर 2। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फिर भी यहाँ आ रहा है, हमें इसके ऊपर जाना था ना, हमें मैच में से -1 करना होगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सही पोजीशन पर आ रहा है। अब मैं इस पर अगर एसिस करता हूँ तो क्या होगा, एसिस नहीं दे रहा, कंसीडर नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको इनडायरेक्ट के अंदर में डाल दूँ, के अंदर में डालूं तो क्या होगा, मतलब कि हमें ऑफसेट जो है हमारा, ऑफसेट जो है वो नहीं पिक कर पा रहा है, जो ऑफसेट दिख रहा है आपका ऑफसेट है, पिक नहीं कर पा रहा। तो इसको चलिए दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं, हम मैच का फॉर्मूला लगाते हैं करते हैं और फोटो में जाते हैं और comma 1, comma 0 कर देते हैं, 0 करते हैं, ये रोल नंबर दिख जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमें पता है कि हमारा डेटा सी कॉलर में है, तो मैं फाइनल में आता हूँ और यहाँ पे हम सी के साथ, सॉरी सी रेफरेंस भी चाहिए ना हमें, तो एक बार फोटो पे तो एक मिनट, सी रेफरेंस भी चाहिए तो इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में और यहाँ पे सी ले लेता हूँ और इसके साथ मैं कॉनकैटेनेट कर देता हूँ। तो रिजल्ट आपका इस तरह से फोटो सी आ गया, राइट सर। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ ऑफसेट को डिलीट करता हूँ। ऑफसेट के अंदर में हमने अपना मैच वाला ये जो फॉर्मूला था वो लेता हूँ। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारा डी जो है 3 जो है ये हमारा फ्रीज हो जाए, ए बाई ए को फ्रीज कर दीजिए, बाकी कुछ फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है और टिक का निशान लगाइए एंड ओके कीजिए। अब मैं यहाँ पे एसिस करता हूँ, मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा दूँ, सही है, मेन मैनेजर में ठीक है, स्पीक हो जा रहा है, मैच का रिजल्ट 0 आया है ना, C2। ओके यहाँ पे क्लिक था, इसलिए कर्सर यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे कर्सर आता है उसके हिसाब से नेम रेंज वर्क करता है। यहाँ अगर मान लीजिए मैं D3 को भी फ्रीज कर देता हूँ तब क्या होगा, वर्क करना चाहिए। अब ले लिया, ओके। अगर मैं इसको हटा देता हूँ,
जगह पे अगर फ्री करूँ तो चेंज नहीं हुआ फोटो हमारा। यही पे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ तो ये वर्क करता है। यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, फोन चेंज हो रहा है, फोटो चेंज हो गया। और इसको कट करके नीचे लेकर आता हूँ तो इस पर मैं नेम रेजर पे वापस में हटा देता हूँ। इसको पेस्ट करता हूँ तो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि डॉलर साइन होगा तभी चेंज होगा। तो अभी तो ठीक है, सिर्फ है अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि क्या हर किसी के लिए नेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें से पिक्चर को लुकअप करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अब हर किसी के लिए इस तरह का नेम डिफाइन करना पड़ेगा ना सर, क्या बोलना है? हेलो, मुझे यहाँ पे हर किसी के लिए नेम डिफाइन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हमें करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अब यही सॉल्यूशन फाइंड करना आप लोगों के साथ मुझे मुझे इस सारे के फोटो का ये हमें लेके आना है। इसके वीवीएम प्रोग्रामिंग से किया जा सकता है, नॉर्मल एक्सेल से पॉसिबल नहीं है। बेसिकली क्या है कि इनके पास बहुत सारे डेटा है, राइट, बहुत सारे डेटा है, उसमें पर्टिकुलर डेटा को लुकअप कैसे करते हैं, ऐसे लुकअप जरूरी। यहाँ एग्जाम्पल में डेटा सेम है बट
उसका ओरिजिनल सीट पे अलग अलग डेटा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी अब्सेंट हुआ है उसका डिटेल डालना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है उनकी फ़ोटो आनी चाहिए, 5 फुट है, और हर मैंने हर सेकंड चेंज होना चाहिए कि हाँ ये चेंज हुआ है, 10 सेकंड बाद जो है फ़ोटो चेंज होनी चाहिए। पहले फर्स्ट 5, फिर सेकंड 5, फिर फर्स्ट 5, ये तो वीवी के थ्रू होगा, इसके लिए तो एक्सेल में कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट क्या ये पिक्चर लुकअप में तो था, बट प्रॉब्लम क्या है कि पिक्चर लुकअप आप कर तो सकते हैं लेकिन कई सारे डेटा में एक सिंगल डेटा को लुकअप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अलग अलग डेटा है, अगर आपके पास अलग अलग डेटा है तो क्या होगा? तो उस केस में जो है यहां पे कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, समझे? लेकिन वीवी के थ्रू किया जा सकता है, वो मैं एक बार देख लूंगा फिर बताऊंगा सर। नॉर्मली आपको समझ में आ रहा प्रॉब्लम क्या थी सर? ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मुझे मैं कर रहा हूं, अगर मैं करता हूं तो क्या करना होगा कि मुझे जितने पिक्चर्स हैं उतने नेम डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट? अब जैसे कि मैंने यहां इसको लिया, अब इसमें एसेट नहीं हो सकता, अब इसमें मैं यहां इसमें डिफाइन नेम में जाऊंगा, पेज फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम में, और सेम फॉर्मूला रहेगा, ये आपको देख रहे हैं सेम फॉर्मूला रहेगा, और एक नई सीट पे हम यहाँ पे पीएच और इसके अंदर हमें फॉर्मूला डालेंगे। अब इस फॉर्मूला में क्या होगा, अब इस फॉर्मूला में क्या होगा कि मुझे इसका जो D3 है इसको मुझे D4 करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इसको कहाँ से टिक एंड क्लोज करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे पीएच में डालना होगा और इसी स्केल्स को दोहराना पड़ेगा। बस में मैं सर, तो ये थोड़ा सा लंबी वर्क हो गया, इतना टाइम करेंगे उससे अच्छा है कि यहाँ से ये कॉपी पेस्ट भी कर ले। लेकिन अगर मैं एक करूँ कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग से पूरे को एक बार बटन पे क्लिक करूँ और पूरे पे वन बाई वन सब पे क्लिक होता चला जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन क्या इससे पहले मैंने किया नहीं है, एक बार मैं अपने एंड्स को देख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग भी अपने एंड से थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, डायनामिक पिवट टेबल समझे नहीं? वो तो इससे होता है, वो तो नहीं नहीं वो तो इससे होता है, एक्सटर्नल पिवट टेबल से होता है, वो तो बताया था मैंने आपको। ऑफसेट लगाने की, हाँ ऑफसेट से भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, चलो मैं वो तरीका बता देता हूँ, ठीक है? मैं पहले फाइल भेज देता हूँ। तो सबसे पहले ये जानना चंद्रशेखर जी जरूरी है कि जो काम आप करना चाहते हैं वो नॉर्मल एक्सेल से होगा या वीवीए से होगा, ये जानना जरूरी है। ऑटोमेशन में दिक्कत क्या, ऑटोमेशन में कई सारे प्रॉब्लम है, जब मैं आपकी वीवीए स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना? यहाँ पे रो की हाइट एंड कॉलम, तो यहाँ पे मैं काउंट ए का लगाता हूँ, ए हमारे रो की हाइट मिल जाएगी, ए हमारा कॉलम का ब्रेथ मिल जाएगा। फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूं,
और मैं डिफाइन नेम में जाता हूँ। और डेटा के नाम से मैं सेव करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। नेम मैनेजर में आता हूँ। अब यहाँ पे ऑफसेट देखिए, मैंने यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा लगाया, इसको हटाना पड़ेगा। ए वन हमारा फिक्स है, ये हमारा ए बाई ए फिक्स है और ये हमारा वन बाई वन फिक्स है। इसको फ्रीज कर दिया मैंने, ठीक है सर। अब मैं कहीं भी पिवट टेबल लगाऊंगा तो पिवट टेबल में मैं यहाँ पे इंसर्ट पिवट टेबल और मैं जैसे यहाँ पे डेटा दे दूंगा, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे डेट ऐड करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ऐड किया 20 जनवरी, यहाँ पे 20 जनवरी में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा 20 आ गया। मैंने क्या किया, देखिए क्या होता है, पहले ऑफसेट को समझिए। ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट में दो तीन जगह पे यूज किया, ऑफसेट समझिए क्या होता है। देखिए ऑफसेट में आपने बोला कि ऑफसेट यहां से जाओ एक रो और एक कॉलम ले लो, एक रो एक कॉलम ले लो, तो ये क्या करेगा, और करके छोड़ देते हो वन था, तो क्या करेगा कि ये आपका यहां का वैल्यू दे देगा, राइट सर। फिर इसमें हाइट और विड्थ होती है, जैसे मैंने बोला कि 5 रो एंड 3 कॉलम, तो इसने क्या किया कि 5 रो और 3 कॉलम का एड्रेस ले लिया। अगर मैं इसको यहां पे सम करूं तो आप देखेंगे एड्रेस ले लेता है यहां पे, यहां देखिए ये हो गया सर B2 से D6। ये यहां से लेके B2 से क्या किया, 5 रो एंड 3 कॉलम पकड़ लिया, उसका एड्रेस दे दिया। इसी का बेनिफिट हम पिक्चर लुकअप में भी और ये ऑटोमेटिक पिवट पे भी करते हैं। तो मैंने फाइल भेजी है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, देखता हूं।